अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। ये स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 8, बीए इंग्लिश फोर्थ ईयर, मॉडर्न एसेस चल रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 8 है जी, एसे का नाम है माई टेलर। माई टेलर बेसिकली जिस राइटर ने यह लिखा उसका नाम है स्टीफन लीकुक। स्टीफन लीकुक ऑलवेज रोड यू नो समथिंग लाइक ह्यूमर। तो इस ऐसे में भी इसने थोड़ी सी जो ह्यूमर है वो क्रिएट करने की कोशिश की है। ऑल दो इट वॉज अ सीरियस एंड यू नो अ लेसन एसेज एज वेल। इसके एक एंड पे एक लेसन है कि हमारे जिस तरह ये वर्ड है जी टेलर, तो हमारे जो टेलर होते हैं या जूतियाँ गाड़ने वाले होते हैं या कोई भी इस तरह के जो काम करते हैं, जो हमारा डेली मरला का काम करते हैं, तो हम उन्हें समझते क्या हैं कि ये हमारे पास काम करने के लिए हैं, जस्ट लाइक अवर सबॉर्डिनेट्स। तो हमारा इनके साथ रिलेशनशिप भी यही है। बट जो स्टीफन लीकुक है, राइटर है, इसका जो अपने टेलर के साथ रिलेशनशिप था इट इज़ वेरी गुड। तो वो किस तरह था, क्या रिलेशनशिप था, वो पिछले 30 साल से जो है ना अपने इस जो टेलर के पास था वो जा रहा था। इसी तरह से ये ऐसे जब स्टार्ट होता है हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं और टेलर को फिर देखते हैं किस तरह हम करते हैं आगे जी। नंबर 1 पॉइंट है जी इसका, ही हैड बीन विजिटिंग द टेलर फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। आखिरी 30 साल से जो है ना वो विजिट कर रहा था इससे पास से, जो कपड़े वो स्टिच करवा रहा था। नंबर 2 पे देयर वाज नॉट इवन अ स्लाइट चेंज, कोई चेंज नहीं आया इन द पेस्चर ऑफ द टेलर, यानी उसकी जो इस तरह वो खड़ा होता था उसके अपीयरेंस में फॉर द पास्ट 30 ईयर्स, आखिरी 30 साल। इसलिए एट द एंड हम इसने ना जो स्टीफन लीकुक है इसने टेलर को एज अ इमॉर्टल भी कहा है। तो हम देखेंगे इमॉर्टल किस तरह से है। नंबर 3 पर जो पॉइंट है जी, वेलकम द ऑथर विद द सेम यूजुअल स्माइल। जब भी वो आता तो वो इस तरह खड़ा होता, एक टांग उसने ऊपर की होती और एक टांग पे वो खड़ा होता और जिस तरह ही वो आता उसको यूजुअल एज यूजुअल स्माइल देता जिस तरह वो रोज़मर्रा उसे मिलता है। नंबर 4 पर जो पॉइंट है स्टूडेंट, ही ऑलवेज स्टार्टेड हिज टॉक विद वेदर रिपोर्ट। हमेशा स्टार्ट करता था, आज देखें बाहर कितनी गर्मी है, आज देखें बाहर कितनी सर्दी है, या फलां जगह पे इस तरह इस इलाकों में जो है वो गर्म जो है वो मौसम है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे सर्दी है, इस तरह से वो बात स्टार्ट करता। एंड नंबर 5 पे जो पॉइंट है जी, ही हैड ओनली 2 टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। 2 किस्म के सिर्फ वो कपड़े सीता था या उसके पास होते थे, वो कौन से थे जी, ट्वीट एंड सर्च। और इन्हीं 2 में से राइटर को वो हमेशा देता रहता था। नंबर 6 पे जो पॉइंट है जी स्टूडेंट्स हमारे पास, ही शोड हिज क्लॉथ्स ओवर वन ऑफ हिज लेग, अपनी एक टांग के ऊपर जो है ना वो शो करता, एंड बेंडिंग इट, उसने जो बैंड की होती, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक टांग पे वो जो है वो स्टैंड करता। अच्छा, ये जो ऐसे जब ख़त्म होता है ना हमें फिर पता चलता है, जब पूरी स्टोरी उसके मरने के बाद हमें पता चलती है, इसलिए उसको इमॉर्टल भी कहा गया कि बेसिकली जो टेलर है उसकी एक टांग ही नहीं होती, ही वॉज एन हैंडीकैप्ड बाय वन लेग। तो एक टांग से वो जो है वो डिसेबल होता है, उसकी टांग नहीं होती, और उसको इस बात का बड़ा अफसोस होता है राइटर को कि मैं पिछले 30 साल से इसके पास आ रहा हूँ, इसने कभी अपने घर का मामला मुझसे डिस्कस नहीं किया, इसने कभी मुझे बताने की जहमत नहीं की। तो आगे देखते हैं नंबर 7 पे जो पॉइंट है, ही मेजर्ड द ऑथर अराउंड द चेस्ट, मतलब इट इज़ जस्ट लाइक यू नो टू क्रिएट अ ह्यूमर। तो फ्लैटरी करने के लिए, ह्यूमर के लिए, अब एक बंदा 2, 4, 5, 10 दिन सूट किसी को दे के आता तो वो उसकी चेस्ट जो होती है वो कितनी को बढ़ जाती है। तो ये सिर्फ उसको हंसाने के लिए या उसके लिए थोड़ा सा उसके साथ कॉमेडी कॉमिक सीन बनाने के लिए करता था। आज मिस्टर जेनिंग्स जो उसका असिस्टेंट था, मिस्टर जेनिंग्स उसकी बात कर रहे हैं, टू ऐड 1/2 इंच इन इट जस्ट टू फ्लैटर द ऑथर, कि आधा इंच इसमें बढ़ा दो। अब आधा आधा इंच हर अगर ड्रेस में हम बढ़ाते रहें तो वो आप समझ सकते हैं कितनी दूर जा सकता है। नंबर 8 पे जो पॉइंट है जी, ही नेवर आस्क फॉर बिल टू राइटर्स फेयर्स व्हेन द पेमेंट ऑफ 2 सूट्स वॉज ड्यू एंड द राइटर ऑर्डर फॉर अ 3rd 1, के जब 2 राइटर जो होते थे सूट सिलवा लेता है तो तीसरा तैयार होता तो उससे पेमेंट मांग लेता। ही सेंट अ रिक्वेस्ट टू द ऑथर, वो चुप करके इसी तरह भेज देता उसके पीछे अपने असिस्टेंट को, आस्किंग फॉर द पेमेंट प्रिटेंडिंग, और ये बहाना करता डेट ही नीडेड मनी एज अ हैवी कंसाइनमेंट जस्ट अराइव, कि मैंने कपड़ा भी मंगवाया है, मैंने चीज़ें मंगवाई हैं, तो मैंने जो है ना उनको पैसे देने हैं, तो लिहाजा पिछले 2 सूट्स के जो है पैसे दे दें और अगले कोई बात नहीं आप फिर कर लें। तो इस तरह से एक हम ये भी कह सकते हैं कि जो राइटर है उसकी भी थोड़ी सी गलती है कि जब हम कोई किसी के पास कोई चीज़ लेने जाते हैं उसे ऑन द स्पॉट ही पैसे दे देने चाहिए, ताकि
वो जो टेलर है या इस तरह का कोई भी हम कह लें जूती गाड़ने वाले, उनको कोई प्रॉब्लम फील ना हो, क्योंकि उन्होंने तो वही जो आपने देना है वही करना है और उसी तरह ही खाना है। नंबर 9 पे जो पॉइंट है जी, वंस ही वेंट टू हिज शॉप बट टेलर वॉज नॉट देयर, एक दफ़ा वो उसकी शॉप पर जाता है टेलर वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। नंबर 10 पे जो पॉइंट है जी, ऑन हिज आस्किंग उसके पूछने पे ही केम टू नो डैट टेलर हैड डाइड, उसको ये पता चलता है कि जी वो पूछता है आप उसके असिस्टेंट से मिस्टर जेनिंग से कि टेलर आज किधर है, तो वो कहता है कि वो तो ही हैज़ बिन डाइड लास्ट नाइट, तो वो तो आखिरी रात मर गया। एंड ही वॉज इन अ शॉक, राइटर वॉज इन अ शॉक टू हेयर दिस न्यूज़ एज वेल कि हाउ इट इज़ यू नो इट हैपन, तो उसके फिर घर के हालात उसको पता चलते हैं, उसकी एक टांग के बारे में उसको पता चलता है कि वो जो है डिसेबल है, तो ये इसके सामने जो है ना वो डिस्क्लोज होती हैं सारी जितनी भी रियलिटीज़ होती हैं वहाँ पर। नंबर जो 11 पे पॉइंट है जी हमारे पास, फॉर द लास्ट सम मंथ्स आखिरी कुछ महीनों से हिज बिजनेस वॉज गोइंग डाउन, उसका बिजनेस जो था वो दिन ब दिन डाउन होना शुरू होता है, और इसी वजह से जो कंसाइनमेंट के बारे में और वो मैंने जब भी डिस्कस किया कि 2 सूट्स के पैसे मंगवाना शुरू कर देता है, तो वो इसलिए करता है कि जाहिर सी बात है उसकी ज़रूरत होती है उस वक्त। ही टुक इट टू हार्ट, उसको दिल पर ले लेता है, दिस थिंग कॉज हिज डेथ, और इससे उसकी मौत वाकया हो जाती है। नंबर 12 पे जो पॉइंट है जी, टेलर वॉज अ गुड मैन एज ही वर्कड एज अ साइडमैन ऑफ द चर्च, बड़ा अच्छा आदमी था तो जो है जी चर्च का जो वो साइडमैन भी था, चर्च के लिए काम करता था, मजबी भी था थोड़ा सा। नंबर 13 पे जो पॉइंट है जी हमारे पास, ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक, ही प्लेड फ्लूट, बड़ा वो वंडरफुल जो है ना वो लवर होता है म्यूजिक का, शदाई आप कह लें, वो फ्लूट जो होती है बांसुरी होती है वो बड़ी खूबसूरत बजाता है, तो उसकी जो बेटी होती है जो नंबर 14 में मैंने पॉइंट भी लिखा है, शी वॉज ऑल्सो अ लवर ऑफ म्यूजिक। नंबर 14 पे जो पॉइंट है जी, ही हैड अ डॉटर, उसकी एक बेटी थी, हु वॉज ऑल्सो अ लवर ऑफ म्यूजिक, वो भी जो म्यूजिक की बड़ी लवर होती है। ये स्टूडेंट यहाँ पे एक लेक्चर इस तरह तो ख़त्म होता है। अब जो जो ये राइटर है, राइटर का टेलर है, उसकी तो डेथ हो जाती है, तो इसको इमॉर्टल किस लिए कहा गया, इमॉर्टल का उसने वर्ड जो यूज़ किया है टेलर एज एन इमॉर्टल, तो ये पेपर के लिए भी सवाल बड़ा ज़रूरी है, किस लिए इमॉर्टल कहा गया, क्योंकि वो उसके दिल में हमेशा बस जाता है मरने के बाद भी, कि उसने अपनी कोई भी जो रियलिटी थी या अपने बारे में जो हकीकत थी उसको वो क्या किया, उसने डिस्क्लोज नहीं किया। तो स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर है, और इसका यही इसी तरह एज एन इमॉर्टल क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, किसी ने भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।